बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं तुसें सारेयां नूं मेज़बान सैयद मसूद गद्दे जी मीडिया ने प्रोग्राम बाखबर कश्मीर तो हाजिर दस। और अज मैं तुसें नी मुलाकात एक ऐसे शख्स कन्नै करवासा जेड़े दातोट बेड़ी रोड़ा पर उन्होंने करदा और गुज़श्ता 24 सालों तो वो बेल्जियम विच नौकरी कर रहे हैं। नज़ाकत रज़ाक उन्होंने नाँ दा। और मैं बरूटा जदों गेस्ट चूंकि बरूटा दातोट उरना मारा गली तक जड़ी सड़क दी वह 2.5 किलोमीटर कच्ची सी, जड़ी लोगों सारे अपनी मदद आपने तहत उसका वो तामीर कर रहे हैं, जिन्हों में नज़ाकत रज़ाक साहब भी शामिल थे। बाकी लोगों कने भी गल हुई थी, इन्होंने दिलचस्प गल इस गल सी कि इन्ह अपनी मादरी जबान ही सारी गलबात की। उन्होंने इस बारे च का आख्या, इस हवाले कने उन्हें का आख्या, वो मैं उन्होंने जबानी है तुसने समातन ही नज़र कर सा ताकि तुस आप ही सारा की बुझी सका कि उन्हें इस बारे च कह पाया। दूई गल एक गल होर भी तुसें कने दसा कि यह चूंकि जी सड़क की जदों तामीर उसी ना सिर्फ लोग जड़े दे उन्हें का झूले टूरे की सहूलत गड्डियों पर वो लभ सी, बल्कि इस इलाका ये इलाका इतना सोहना इतना खूबसूरत था कि इतना अगर थोड़ी जी तरक्की इसका अगर इसी जो है तो यू बहुत सारे इलाके का पीछे छोड़ी दे सी। फिर बारह ने लोग भी ताल ले इसका देख ले तो सारे लोगों ने जी माली सूरत हाल दी वो भी बेहतर हो सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले तो सैयद महसूद गद्दे जी साहब तुसना बहुत बहुत शुक्रिया कि तुस इस रोड पर आया, इस रोड की विजिट किया, इसका काम भी देखा। सर इस रोड ने जी हिस्ट्री जी 1976 बिच साढ़े जो बुजुर्ग से या साहब ने दौर असलम लाला हड़ से तलकता तो वह इंग्लैंड सैटल होने से इंग्लैंड नेशनल भी से उन्हें कने साढ़े शेरे दातोट असलम साहब उन्हें मिली तो इस रोड ने पहली दफा इब्तदा की। साड़ा वो बचपना दोस्त था, शायद 6-8-10 साल ने से मैं याद भी अच्छी तरह कि अस जिसने इतने पहली दफा उन्हें काम शुरू किया तो इतने इस एरिए पहली दफा डोजर आया तो डोजर की उस देखे वास्ते पूरा ग्रां जो होना सा बाटे मुड़े तक या बेड़ी बल्लाड़ी सिर्फ इस गल आने से कि एक नई चीज़ थी कि इतने रोड निकल पे नहीं थी। इस तू बाद साड़ियाँ बहुत सारिया रोड़ा निकलियाँ, बेड़ी दातोट बोसा गला थोराड़ ये सारिया रोड़ा इस तू बाद नहीं रोड़ों दी, लेकिन ये रोड अज 43-44 साल तो उपर हो गया। इस दौरान आज़ाद कश्मीर हर जी सियासी जमात थी उसकी हुकूमत भी रही। इतने जो MLA गुजरे जिस महरूम खालिद साहब से, महरूम सियाब साहब से, उस तो बाद जहीर चुगताई साहब महरूम, इन्हें सबने ना इतने एक एक दफा दो दफा त्रै दफा टनोट भी गुजरिया। इतने वजीर भी रहे, मशीर भी रहे, वजीर हुकूमत भी रहे, सियात ने वजीर भी रहे सियाब साहब, फिर कायम काम सदर भी रहे हो। इस दौरान ये उन्होंने हल्का जहाँ अबाई हल्का सा, लेकिन इस दौरान इस रोड पर इस दौरान साड़ियाँ दो नस्ल इस वास्ते एहतियाज भी कर रही, कोशिश भी कर रही, मुजफ्फराबाद तक गई, असम्बली तक अप्रोच की, लोकल जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटर रहे उन्हें तक भी अप्रोच की, लेकिन बदबख्ती का नहीं रोड तामीर नहीं हो सकी, कहते सियासत में शिकार हो गई, कहते फंड कमी ना शिकार हो गई। इस दौरान इस रोड पर जो सरकारी सैक्टर भी कम हुआ वो सब तो पहले कश्मीर कौंसल ही जिसने सगीर साहब कश्मीर कौंसल ने मेंबर से तो उन्हें 1 किलोमीटर रोड दी गली थ्रू बैरूटा तक, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत कम हुआ। उसके बाद पैसा इतना कुछ शिफ्ट हो गया, कोई सैलाब जदगान नहीं तरफ या इस तरह नहीं हो सकी कि खबरों भी जी, लेकिन असल जर वे कि उसका काम नहीं हो सकता। उस तो बाद लास्ट टर्नओवर सा अपने सहीर साहब ना उस उन्हें 1/2 किलोमीटर रोड दी जी, लेकिन अज तक उसका काम पूरा नहीं हो सकता। इस तरह ज्यादा कश्मीर जो स्ट्रक्चर का या पैसे रिलीज ना कितना तरीका था वो इतना स्लो था कि अज 4 साल तो बाद भी अज तक वो पैसे पूरे रिलीज नहीं होने कि वो कम हो सकते। अज भी उस पर काम जारी था, लेकिन सिर्फ उसका डिले नहीं, बड़ी वजह पैसे ना ड्रा ना होना था उस नहीं वैसा। इस दातोड़नी साइड उपर पिछली जिसने साढ़े वैसी साहब कश्मीर कौंसल ने मेंबर से नॉन लीग नहीं गवर्नमेंट सी तो उन्हें 1/2 किलोमीटर रोड दी, वो 1/2 किलोमीटर रोड जी थी उसने भी लुक तो पही गई उस पर, उसने मुँह तो काला हुआ, लेकिन असर कने बदबख्ती हुई कि उसने अज तक शोल्डर नहीं बनी सके, उसने नालियाँ नहीं बनी सकी जिसनी वजह तो वो भी टूट फूट ना शिकार होया पैने की। यह सारिया चीज़ें देखी इस रोड पर साढ़े दोस्त साथी इस तो पहले गल भी करी छोड़ी इमरान साहब, इमरान साहब इसमें लोगों एहतियाज किया। इमरान साहब ना आखिरी जो एहतियाज था इस रोड पर वो खवातीन कने सा, लेकिन साड़ी बदबख्तियाँ हाँ या बेबसियाँ हाँ कि फिर भी जो जिम्मेदार लोग थे उन्होंने
इस गल ना कोई उन्हें पर असर नहीं हुआ। और आखिर अस तंग अच्छी साढ़े जो दो साथी से जिस इखलाक साहब कमर दावत कही हम सब छोटे लोग थे नए लोग थे जैसे अदनान याकूब इरफान आज़ाद और बहुत सारे असामा बाबर और इन्हें सारे उसने एक दिन भी जी मजाक मजाक भी कोशिश की थी कि अस एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने और इस रोड की आप ही बनाने। उसने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया असें इसने इब्तदा की पहले अपने अपने घरे तो की एक एक लख रुपया असें अपने कोला फर्स्ट टाइम ये तय किया कि हर घर बचा एक लख रुपया देने असें शुरू किया। साड़ी पहले जो ऐलानात हुए तकरीबन 85 लख रुपए ने ऐलानात से उसने होप उपर असें ये 2.5 किलोमीटर जहाँ दरमियान रहना सा इसनों असें काम स्टार्ट किया। तो इस काम के दौरान असें कुछ वाह के दरमियान में कुछ पैसे कुछ दो साथी तुम्हें पता ऐलान कर रहे बाद भी नहीं देने बल असें को तकरीबन 50 लख रुपए तक असर को पैसे फंड इकट्ठा हुआ उसने असर बैड तैयार किया। उत्थे अच्छी उस थोड़े बेबस हुई तो साढ़े कुछ दोस्त साथी और असर शामिल हुए जिस मैं खुसूस उन्होंने जिक्र करसा जिस साढ़े साढ़े सदीक यानी साहब उन्होंने बड़ा एफर्ट है मुश्ताक साहब ना बड़ा एफर्ट है अदनान ना बड़ा एफर्ट है उनने साढ़ा एक पूरा ग्रुप जहाँ तुसने नीचे वाली साइड ना टंडी पे नहा और इस साइड ना सा जिस लियाकत यानी साहब की मुतारे किया अस उन्होंने शुक्रगुजार हो उन्हें आजाद हुसैन जाफरी साहब ना राशिद जमीन साहब उन्हें मेरे तो साजिद आजाद साहब उन्हें मेरे तो इम्तियाज जन्नत साहब पाराठी तो इस तरह ने खास कर में जरा ना इंसा नंबरदार जोर साहब जिन्होंने बड़े एफर्ट था फिर इस दातोर तो जायद इकबाल साहब कनेडा उन्हें उन्होंने बड़ा एफर्ट है इस रोड वास्तव इन्हें सबने लोगों साढ़े ग्रुप भी जाए इन्हें सबने अगले जो इस टाइम 93 लख रुपया पहले 60 लख तो बाद 93 लख रुपए ने इन्हें असकी फंडिंग की आस सिर्फ आस नहीं इस एरिए ने तमाम लोग आने वाली सारी नस्ल होने शुक्रगुजार रही कि जोड़ा काम इतना की रियासत नहीं कही सकी 45 साल जरा इतना दो नस्ल एक ख्वाब ही नहीं इस दुनिया टुरी गई और ख्वाब पूरा नहीं हो सकता और आने वाले वक्त अगले 20-30 साल तक असकी ये यकीन ना सा कि यह रोड अमीर हो सी या रियासत बनाई दी और इन्ने लोग सब आए इन्हें इनिशिएटिव दा और अज अस इस काबल बनते हो कि यह रोड तमीर होए पैनी और उम्मीद है कि आने वाले एक माह में यह रोड पूरी कारपेट हो सी। अस में एक दफ़ा और इन्हें सबने लोगों ने खासकर यूनियन का सो नमरा टंडी पेनाखा और पानियोला और बंगोई और मंग थुरा रावला कोट बा इतने लोग और पाकिस्तान ने लोगें इस रोड वास्तव फंडिंग की जो लोग शायद अपनी जिंदगी इस रोड पर नहीं आने लगे अस उन्होंने इतना ही एहसान मानते हैं और इतने लोगों ने जी ये इतने में एक मिसाल देना था कि साढ़े एक दोस्त है थे छोटे जे वो थोड़े माजूर भी थे शफाकत ना था उन्होंने उन्होंने जिंदगी ने यह ख्वाहिश थी कि इस रोड पक्की हुई है तो इस उपर अगर जिस दिन जो रोड पक्की हुई उस दिन इस रोड पर मैं अपने कैर तो नंगे पाँव दात उड़ गए सर और दात उड़ वापस है सर इस तरह ने इतने लोगों ने फीलिंग दी और इतने ने हर कैर ने फिर ने दिल तो दुआर निकली उन्हें लोगों वास्ते जिन्हें इस रोड वास्ते इतने लोगों ने जो कैर बता जिस तरह गफूर साहब तुमने गल पाई इखलाक साहब आई कि इतने ने मरीजों वास्ते जी प्रॉब्लम दी इतने जो स्कूल ही बच्चे करने उन्होंने जी प्रॉब्लम दी उसकी जिन्हें लोगों इसकी खत्म और इसकी हल किते वास्ते किया उन्हें वास्ते सच्ची गल है कि माड़ी भी अपनी दिल तो दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें की खुश रखे सेहत और सलामती दे उन्हें रिज कमाल बरकत पाए उन्होंने वालदेन अगर जिंदा दे उन्हें वास्ते सेहत और सलामती दे और अगर इस दुनिया चले गए जन्नतुल फिरदौस आला और रहम कम अता फरमाए। बहुत शुक्रिया मैं सर खत्म करता हूँ बहुत शुक्रिया अज वास्ते बस इतना है तो आइंदा इंशाल्लाह फिर कुसै नवे जरा मेहमान दा उस कन्ने कुसै नवी गल कन्ने तुसानी खिदमत फिर हाजिर होसा उस वक्त तक तुस मैं इजाजत दिया अल्लाह हाफिज़।